जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं न्यूज़। और सबसे सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि सीआरएस इंस्पेक्शन जैसे जयपुर की हो चुकी है, ठीक है। अब सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुकी है तो मैंने कहा था कि मे बी जनवरी से चालू हो इसकी, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और ट्रायल्स भी लिया गया, ट्रायल्स में भी कम्फर्ट हुई और ट्रायल्स में पास हुई। तो हम बात करेंगे कि जैसे जयपुर है या गुवाहाटी है तो इसमें जो है, तो इस पे मतलब जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है या गुवाहाटी में होने वाली है तो इसमें जो लोकोमोटिव असाइन की जाएंगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो कौन सी लोकोमोटिव असाइन की जाएगी, तो आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता है भाई आपके लिए, तो स्किप करें बिना वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता लोग, और कमेंट कीजिए अपने सवाल, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से रेल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोज़ाना लेकर आता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक फटाफट से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी लोकोमोटिव असाइन की जाएगी जयपुर में, गुवाहाटी में, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुकी है जयपुर में और इसका रिजल्ट भी ट्रायल में भी अच्छा आया है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने मिल जाए, मगर मैं कहता हूँ जनवरी से पहले सबको असाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी जगह की इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाती है तो अगर उस रूट में ऑलरेडी मतलब वो पूरा स्टेट ही अगर डीजल हो तो उससे फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में होने के बाद जब उसकी लोकोमोटिव उसमें असाइन की जाती है तो उसके लिए सोचा जाता है दोस्तों। तो CLW इसलिए WP7 की प्रोडक्शन और जोर शोर से कर रही है, WP4 का बंद हो गया है, उसका रीज़न है बंद हो जाने का, उसका रीज़न जानना तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो रीज़न ये है कि वो WP7 को बनाया जा रहा है कि जो एरिया जो है जो इलेक्ट्रिफाइड हो रही है उसे ऑलरेडी मतलब उसे दिया जाएगा WP7 की लोकोमोटिव, क्योंकि अभी इंडिया में WP7 और WP5 ही चलने वाला है। और जैसे कि बहुत सा मैंने अभी चर्चा सुना कि अबू रोड जो है हमारे राजस्थान में उसे दिया जाएगा लोको शेड, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गूगल की न्यूज़ है। गूगल कह रहा है कि अबू रोड का, हाँ अबू रोड एक लोकोमोटिव शेड है, बड़ा लोकोमोटिव शेड है राजस्थान में, मगर इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अबू रोड को ही लोकोमोटिव अलॉट किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सियालदा की कोई लोकोमोटिव नहीं थी, वो हावड़ा के WP7 WP4 लेके चलती थी, मगर आज सियालदा को लोकोमोटिव दिया गया है, WP7 सियालदा की लोकोमोटिव है। तो ज़रूरी नहीं है कि अबू रोड को ही, मे बी जयपुर में भी लोको शेड अगर जगह हो वहाँ बनने का और तो वहाँ पर WP7 WP4 या 4 तो नहीं हो सकता अभी, मगर अभी पूरा टोटली 4 नहीं बंद होने वाला, हो सकता है असाइन कर दिया जाए WP5। ये सब लोकोमोटिव जयपुर को भी दे सकता है, ALL को भी दिया जा सकता है, मतलब अजमेर को, तो ये सब असाइन किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि अबू रोड को ही मिलेगा। अब लोकोमोटिव कैसे असाइन होती है, इसकी रीजंस होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सियालदा अजमेर जो है, अजमेर सियालदा, उसमें WP4 आगरा तक आती है, ठीक है दोस्तों, आगरा तक वो आती है, मगर अब वो आगरा तक नहीं आएगी, अब उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा अजमेर तक, वो अजमेर तक ही WP4 लेके चली जाएगी। और जैसे दूसरी ट्रेन है हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, तो हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस है तो जैसे अभी मीटर रूट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी, जो ट्रेन अभी आगरा तक इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिक इंजन लेके जो आ रही थी, अब वो क्या करेगी, जयपुर तक वो आएगी, ठीक है, जयपुर तक वो आएगी, जब मीटर रोड इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी तो फिर वो मीटर रोड तक चलेगी। अभी जोधपुर का कोई अभी ऐसा कुछ रिपोर्ट ही नहीं आया कि जोधपुर की इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगी, ठीक है। उधर में जोधपुर रोड में अगर बात किया जाए तो चूरू जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। तो असाइन इस तरीके से किया जाता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, एक शताब्दी एक्सप्रेस मैं ले लेता हूँ, एक शताब्दी एक्सप्रेस चलती है जयपुर से दिल्ली के बीच में, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो अगर उसकी कोचेस 10, 12, 15, 17, 18 कोचेस की होगी, ठीक है, तो उसको जो है WAP5 असाइन किया जाएगा। अब ये क्यों असाइन किया जाएगा WAP5? द रीज़न इज WAP5 की जो क्षमता होती है, इसकी जो टॉप स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा है, 210 मतलब 210 किलोमीटर प्रति घंटा पे वो चल सकती है, ठीक है। अगर WAP5 को 18 कोचेस से ज़्यादा कोच दे दिया जाएगा ना WAP5 को, तो वो टान ही नहीं सकेगी अपनी टॉप स्पीड पर, या उसके एक्सेलरेशन जो ना गड़बड़ा जाती है। इसी मामले में WAP7 हमारी सक्सेसफुल लोकोमोटिव है, क्योंकि वो 24 से 26 कोचेस के ट्रेन को आराम से अपनी मैक्स प्रिंसिपल स्पीड 160 to 180 की स्पीड में खींच सकती है, मगर WAP5 18 कोचेस से ज़्यादा कोचेस होगी
उसे नहीं की सकती। तो ऐसी जो 18 कोचेस की जो ट्रेन होगी उसे WP5 असाइन किया जाएगा, मगर जो बड़ी ट्रेन है 24 कोचेस की जो होती है, 22 कोचेस की होती है, उसे असाइन किया जाएगा WP7। ठीक है, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, वो 18 कोचेस से ज़्यादा अगर हॉल करेगी तो उसकी एक्सीलरेशन पावर ख़त्म हो जाएगी। और अभी हमें टाइम बचाना है, बचत करना है। ठीक है, तो WP5 जो है, WP5 18 कोचेस की ट्रेन तक को ही मिलेगी। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, सिर्फ 18 कोचेस नहीं देखा जाता है, नॉन एसी और एसी भी देखा जाता है। अगर एसी कोच है सब, तो WP5 अगर है तो अगर उसे 24 कोचेस की भी ट्रेन दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसमें। ठीक है, मगर वो नॉन एसी होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नॉन एसी में क्या होता है ना, हवा घुसते रहता है, बाहर निकलते रहता है, तो वो एक प्रेशर बनाती है कोचेस के अंदर, तो वो प्रेशर लोकोमोटिव में लगता है। मगर WP7 अगर ये WP5 की जगह रहेगी तो ये फाड़ के आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये 635 जो HP की है WP7, मगर वही WP5 जो है वो कम है इससे। ठीक है, और जो मतलब इस तरीका से असाइन किया जाएगा, 24 कोचेस से कौन है, 18 कोचेस से कौन है, इस तरीका से लोकोमोटिव असाइन किया जाएगा, और बहुत सी ट्रेन को WP4 भी मिलेगी, तो ये असाइन किया जाएगा। मगर ये अभी जरूरी नहीं कि अबू रोड को ही मिलेगी सारी जो असाइन लोकोमोटिव होगी, वो जयपुर को भी मिल सकती है, अजमेर को भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि रेलवेज की तरफ से ये कोई न्यूज़ नहीं है कि अबू रोड को ही असाइन किया जाएगा, ये गूगल की एक न्यूज़ है और न्यूज़पेपर वालों ने अफवाह फैला दिया। ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है, ये लोकोमोटिव्स किसी को भी मिल सकती है, और जरूरी नहीं कि अभी जयपुर को और अबू रोड को और अजमेर को लोकोमोटिव मिल ही जाए, जरूरी नहीं है। कानपुर की भी वहाँ लोकोमोटिव यूज हो सकती है, गाजियाबाद की भी लोकोमोटिव वहाँ यूज़ हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया कि लोकोमोटिव असाइन किस तरीके से होती है, और लोकोमोटिव को देखा जाता है। अभी मान लीजिए ज़्यादा WP7 नहीं है, ठीक है, अगर जो WP7 आगरा कैंट तक आ रही है, फिर उसे दूसरी ट्रेन को लेकर जाना है, तो वो फिर अजमेर तक नहीं जा सकेगी, तो उसके लिए एक नई लोकोमोटिव असाइन करनी पड़ेगी। तो ये सब देख के ही लोकोमोटिव असाइन किया जाता है दोस्तों, तो इस तरीके से लोकोमोटिव असाइन होती है। तो इसी तरीके से गुवाहाटी में भी होगा, ठीक है, गुवाहाटी में भी होगा, वहाँ पर भी इस तरीके से लोकोमोटिव को असाइन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लोकोमोटिव असाइन कैसे होते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करके आप बताइए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर www.instagram.com/railnews24 पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज पर बात कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर इस पर सही से क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने वैल्यूएबल कमेंट, वीडियो कैसा लगा वो भी अच्छा लगा है तो बताइए, और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इससे जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। जयपुर से जुड़ी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़ी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, और आसाम से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसके बाद जो आई बटन पर जो लिंक आएगा वो आपको आसाम से जुड़ी जो इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो वहाँ की अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो मिस करता वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इससे जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के रखना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।